तो अगर तुम लोग सर्च करके यहाँ पहुँचे हो तो तुम्हें पता है कि जेमिनी एडवांस अगर तुम लोग बाय करते हो तो तुम्हें 2 TB का फ्री स्टोरेज मिल रहा है। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कैसे इसे तुम लोग बाय कर सकते हो। तो सिंपली तुम्हें सबसे पहले जाना है गूगल में और यहाँ सर्च कर लेना है जेमिनी एडवांस, या तुम लोग जेमिनी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ से जेमिनी एडवांस लिख रहा हूँ और यहाँ पे तुम्हें चले जाना है ट्राई जेमिनी एडवांस पे। और यहीं पे तुम लोग देख सकते हो ट्राई फॉर 2 month 8 note charge, तुम्हें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गेट जेमिनी एडवांस एंड मोर विथ गूगल 1 premium plan, तुम्हें सिंपली स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट या रिडीम कोड, तुम तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से सारा डाटा फिल कर लिया, मैंने कार्ड डिटेल दे दिया, मैंने यहाँ से एड्रेस दे दिया। तुम्हें सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गूगल 1 AI Premium Plan 2 month का फ्री ट्रायल है। और अगर तुम लोग यहाँ से 20 अप्रैल 2024 से पहले इसे कैंसिल नहीं करते हो तो तुम्हारे कार्ड से 1950 रुपये कट जाएंगे। तो यहाँ से मैं सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर से CVV एंटर करना है एंड यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ से OTP दे दिया और मुझे यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हो मुझे गूगल 1 AI Premium Plan मिल चुका है, यहाँ से सब्सक्राइब शो कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यू हैव गॉट जेमिनी एडवांस, तो आपको जेमिनी एडवांस मिल चुका है, आप लोग जाके इसे यूज़ कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे गूगल ड्राइव में भी 2 TB स्टोरेज मिल चुके हैं। तो इतना आसान है, तुम लोग जाके इसे बाय कर सकते हो और तुम्हें 2 TB स्टोरेज फ्री में मिलेगा। तो सेम मेथड का यूज़ करके तुम लोग जेमिनी को 2, 3, 4 अकाउंट जितने अकाउंट में खरीदना है खरीद सकते हो और तुम्हें 2 TB सब अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने कैंसिल कर भी लिया तो तुम्हारे सारे फाइल सेफ है, तुम उसे एक्सेस कर सकते हो, तुम उसे यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, उसे तुम लोग ओपन करके देख सकते हो। बस लिमिटेशन ये रहेगा कि तुम लोग अपने उस अकाउंट पे कोई भी नया ईमेल रिसीव या सेंड नहीं कर सकते हो। अगर कोई गूगल डॉक्स फाइल है, कोई एक्सेल शीट है, तो उसे तुम लोग एडिट भी नहीं कर पाओगे। तो जाके तुम लोग 4-5 अकाउंट में बाय कर सकते हो और तुम्हें 2 TB सब में मिल जाएगा। एंड अपने सारे फाइल्स को वहाँ पर डाल दो एंड दूसरे अकाउंट के साथ शेयर कर दो, उसे बाद में तुम लोग एक्सेस कर सकते हो।